हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल बीटा क्यू सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं पीएचपी क्लास नंबर 11। और आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे फंक्शंस इन पीएचपी। बहुत ही क्रूशियल्स होते हैं फंक्शंस पीएचपी के लिए, इसलिए फंक्शंस को पीएचपी का बैकबोन कहा जाता है। सो आज का क्लास शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड होते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फंक्शंस को समझने के लिए आपको पहले ये एग्जांपल को समझना पड़ेगा। तो पहले मैं ये पीएचपी स्टेट शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है इको वेलकम टू माय प्रोग्राम, और ब्रेक एक आर किया हुआ हूँ, और नीचे और एक स्टेटमेंट लिखा है इको व्हाट इज फंक्शन। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पीएचपी का, उसके बाद फिर से वही वाला स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ और कुछ स्टेटमेंट, और नीचे भी वही दो स्टेटमेंट और पीएचपी क्लोजिंग। यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो स्टेटमेंट जैसे कि वेलकम टू माय प्रोग्राम व्हाट इज फंक्शन, ये वाले स्टेटमेंट को मैंने तीन बार यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। अगर मैं इसे फंक्शन यूज करके बनाऊंगा पीएचपी में तो कैसे करूँगा, तो पहले तो पीएचपी शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया हुआ है डेमो, तो इसके अंदर मैंने ये दो लाइन लिख दिए, वेलकम टू माई प्रोग्राम ब्रेक और व्हाट इज फंक्शन, और मैंने यहाँ पे डेमो को कॉल किया हुआ है। सो जितना और मुझे कोई लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। फिर से मैंने डेमो को यहाँ पे कॉल किया है, और यहाँ पे फिर से डेमो को मैंने कॉल किया है। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया है, दोनों एग्जांपल में, पहले एग्जांपल विदाउट फंक्शन, दूसरा एग्जांपल में मैंने फंक्शन यूज किया है डेमो फंक्शन। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें कोई स्टेटमेंट रिपीटेडली यूज करना होता है एक प्रोग्राम में, तो हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं, और जब भी वो स्टेटमेंट चाहिए हम वो फंक्शन के नाम को कॉल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो फंक्शन वहाँ पे प्रिंट कर जाएगा। सो जितने भी टाइम समय प्रोग्राम में वो फंक्शन चाहिए उतने टाइम्स हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सो व्हाट इज फंक्शन, सो फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज्ड रिपीटेडली इन ए प्रोग्राम। कितने भी टाइम्स हमें प्रोग्राम में चाहिए हम उसे वहाँ पे बस उसके नाम से कॉल करेंगे तो ये फंक्शन वहाँ पे ऑटोमेटिकली वही स्टेटमेंट को बार बार रिपीटेडली प्रिंट करेगा। जब तक हम फंक्शन को कॉल ना करें तब तक फंक्शन वहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा, सो नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली अंटिल कॉल। सो पीएचपी में हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि पहले तो हमें एक फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे और उसके बाद फॉलोड बाय नेम, हमें वहाँ पे एक नेम चाहिए फंक्शन का, कोई भी नेम, जैसे कि नेम कोई कीवर्ड नहीं होगा, कीवर्ड को छोड़ के प्रोग्रामिंग में कोई भी नेम हम यूज कर सकते हैं, और वो सिंगल वर्ड होना चाहिए, या फिर स्पेस के लिए हम अंडरस्कोर भी दे सकते हैं फंक्शन के लिए, और एक पैरेंथेसिस रहेगा, ओपन मून ब्रैकेट क्लोज मून ब्रैकेट, देन ए कर्ली ब्रेसेस, सो देन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। जितने भी स्टेटमेंट हमें चाहिए, जो भी स्टेटमेंट हमें प्रिंट करना है वो स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और एंड में द क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस, दैट मींस द क्लोजिंग ऑफ फंक्शन। सो फंक्शन यूज करने का बेनिफिट्स क्या है, हम एक प्रोग्राम में हम फंक्शन क्यों यूज करेंगे, सो बेनिफिट्स ऑफ ए फंक्शन, एक तो अवॉइड रिपीटेशन ऑफ कोड्स, जैसे कि हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा कि हमें अगर कोई लाइन कोई स्टेटमेंट कोई मैसेज बार बार प्रिंट करना होता है तो हम वहाँ पे वो लाइंस को बार बार लिखने के अलावा फंक्शन में अगर डिक्लेयर कर देंगे तो बस फंक्शन का नाम कॉल कर देंगे तो लाइन ऑटोमेटिकली वो मैसेज जो फंक्शन का जो काम है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इससे क्या होगा, बहुत सारे लाइंस प्रोग्राम में कम हो जाएंगे, सो इंक्रीज प्रोग्राम रीडेबिलिटी, मतलब प्रोग्राम को रीड करने के लिए अगर
सेम स्टेटमेंट अगर बार बार रिपीटेडली यूज होगा तो क्या होगा, प्रोग्राम का जो सोर्स कोड है वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और प्रोग्राम रीडेबिलिटी मतलब वो प्रोग्राम रीड करने के लिए उतना डिफिकल्ट भी होगा। देन एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम फंक्शंस यूज करके बहुत ही सिंपलीफाई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल से लिख सकते हैं। मतलब एक एक ब्लॉक हो जाएगा, जैसे कि हमारे जैसे कि कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम हुआ, हम समेशन के लिए एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए एक फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में बाय यूजिंग ऑफ फंक्शंस। तो इससे क्या होता है ना, जो प्रोग्राम में अगर कहीं पे कुछ एरर आता है तो वो हम आराम से कैच कर सकते हैं और उस एरर्स को रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। सो रिड्यूसेस चांसेस ऑफ एरर, एरर का चांसेस आना बहुत ही कम हो जाएगा वहाँ पे। मॉडिफाइंग ए प्रोग्राम बिकम्स इजियर। अगर हमें कहीं पे प्रोग्राम को चेंज करना होता है या चेंज करना पड़ेगा, अगर हम फंक्शन यूज करेंगे बस उसी फंक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो बाकी वाले प्रोग्राम को वही रहने देंगे, जितना भी हम चाहेंगे तो फंक्शन के अंदर जितना भी डिक्लेयर होगा बस वही उसी जगह पे भी हम चेंज करेंगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन। सो कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस से दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमने पहले वाला जो एग्जांपल किया था, हमने इस तरह से फंक्शन को किया था और जब हम कॉल कर रहे थे तो फंक्शन अपना आउटपुट वहां पे प्रिंट कर रहा था। सो इससे क्या होता है, जो पहले वाले पार्ट में हमने जहाँ पे ये वाला जो डिक्लेयर किया है, ये वाले सेक्शन को हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन या फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, सो फंक्शन डेफिनेशन इसे कहते हैं। और जहाँ पे हमने आउटपुट चाहिए वहाँ पे हमने सिर्फ फॉर्म के नाम को कॉल किया है, इसे कहते हैं फंक्शन कॉल। सो कॉलिंग ऑफ ए फंक्शन या फिर फंक्शन कॉल। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए फंक्शन। एक तो हमें एक जगह पे फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा और दूसरे जगह पे हमें जहाँ पे आउटपुट चाहिए वहाँ पे हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। विदाउट कॉल ये फंक्शन आउटपुट नहीं दिखाएगा, कहीं पे तो कॉल करना पड़ेगा वरना फंक्शन अपना आउटपुट वहाँ पे शो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक तो यूजर डिफाइंड फंक्शन, दूसरा प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फंक्शन। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन इज डिफाइंड बाय यूजर, यूजर अपने हिसाब से प्रोग्राम में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फंक्शन क्रिएट करता है वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। और बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, जो पहले से डिफाइंड होके कंपाइलर के पास है, पीएचपी कंपाइलर के पास जो आप पहले से डिफाइन करके जो फंक्शन है, दैट आर द बिल्ट इन फंक्शन। हमें सिर्फ नाम उसका कॉल करना है, वो अपना आउटपुट वहाँ पे दिखा देगा। सो ये दो फंक्शन, दो टाइप के फंक्शंस को फिर से दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक होता है विथ आर्गुमेंट, दूसरा होता है विदाउट आर्गुमेंट। यूजर डिफाइंड फंक्शन विथ आर्गुमेंट, यूजर डिफाइंड फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। सो बिल्ट इन फंक्शन भी उसी तरह एक विथ आर्गुमेंट है और विदाउट आर्गुमेंट भी है। सो पहले हम देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स। सो सिंटैक्स क्या होगा, फंक्शन कीवर्ड रहेगा और उसके बाद फंक्शन का नाम, कोई भी नेम वहाँ पे हम लिख सकते हैं, और पैरेंथेसिस में हम कॉमा देकर मल्टीपल आर्गुमेंट्स या इसे पैरामीटर भी कहते हैं, मल्टीपल पैरामीटर से आर्गुमेंट यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर बॉडी ऑफ द फंक्शन, जो कोड वहाँ पे हमें चाहिए फंक्शन जो आउटपुट देगा तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल क्या है, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है प्रिंट मैसेज एसटीआर, एक प्रोग्राम बनाया गया है प्रिंट मैसेज एसटीआर और हमने यहाँ पे एसटीआर को प्रिंट किया हुआ है। और ये एसटीआर का वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, नीचे हमने क्या किया हुआ है, प्रिंट मैसेज फंक्शन को कॉल किया हुआ है और उसके अंदर एक मैसेज पास किया है हेलो वर्ल्ड। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, मतलब हम जितने बार भी प्रिंट मैसेज के अंदर
कोई भी टेक्स्ट अगर पास करेंगे तो वही टेक्स्ट वहाँ पे प्रिंट होगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन विथ आर्गुमेंट। उसी तरह यूजर डिफाइंड फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, मतलब जो पैरेंथेसिस था, मून ब्रैकेट था, वहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम और बॉडी ऑफ द फंक्शन। फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ फंक्शन प्रिंट मैसेज, उसी प्रोग्राम को हमने चेंज किया है, प्रिंट मैसेज में कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पे पास नहीं किया है, पर बॉडी में हमने एक मैसेज पास किया है, हेलो वर्ल्ड। जितने बार भी हम प्रिंट मैसेज को कॉल करेंगे उतने बार हेलो वर्ल्ड करके स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। नेक्स्ट इज द बिल्ट इन फंक्शन। एक्चुअली मीन द दिस बिल्ट इन फंक्शन आर द बैक बोन ऑफ पीएचपी। मोर देन 1000 फंक्शन आर इन ऑफ पीएचपी लाइब्रेरी। मतलब पीएचपी जिस वजह से मार्केट में फेमस है उसका मेन रीजन होता है बिल्ट इन फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस पीएचपी के लाइब्रेरी के पास हैं, बस आपको उनका नाम कॉल करना है और यूज़ करना है। जितना आप फंक्शंस आप जानेंगे पीएचपी में उतना स्ट्रंगर आप मेज में बनते जाएंगे। सो कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आरए फंक्शंस होते हैं, कैलेंडर फंक्शंस होते हैं, डेट फंक्शंस होते हैं, डायरेक्टरी फंक्शंस मतलब फोल्डर क्रिएट करना, फोल्डर को मूव करना, फाइल को मूव करना, दैट आर द डायरेक्टरी फंक्शंस। एरर फंक्शंस होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, फाइल हैंडलिंग जैसे कि हम डायरेक्टरी फोल्डर के लिए डायरेक्टरी फंक्शंस, उस तरह फाइल सिस्टम, फाइल क्रिएट करते करने के लिए, फाइल को मॉडिफाई करने के लिए, फाइल में कुछ लिखने के लिए फाइल सिस्टम फंक्शंस, फिल्टर फंक्शंस होते हैं, एफटीपी के लिए भी फंक्शंस होते हैं, जेसन के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, कीवर्ड्स के लिए, उसी तरह लाइब्रेरी एक्सएमएल लाइब्रेरी के लिए सिंपल एक्सएमएल फंक्शंस होते हैं, मेल हैंडल करने के लिए फंक्शंस होते हैं, मैथ फंक्शंस होते हैं, कुछ मिसलानियस फंक्शन है, माई एसक्यूएल जो हमारे डाटाबेस हैं उसे कनेक्ट करने के लिए कुछ माई एसक्यूएल फंक्शंस होते हैं, नेटवर्क के लिए फंक्शंस होते हैं, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट प्रिंटर पे हुआ या मॉनिटर पे हुआ, डिफरेंट पार्ट में आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए कुछ फंक्शन होते हैं, सिंपल एक्सएमएल, स्ट्रीम फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, वेरिएबल हैंडलिंग के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, एक्सएमएल पार्सर के लिए कुछ फंक्शन होते हैं, जीप फंक्शंस होते हैं और टाइम जोन फंक्शंस होते हैं। ये तो कैटेगरी हैं फंक्शंस के, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, मोर देन 1000 ऑफ फंक्शंस है यहाँ पे। सो आगे के क्लास में हम एक एक फंक्शन, एक एक कैटेगरी को एक्सप्लेन करेंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे पीएचपी फंक्शंस को। ये तो था आज का क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर पीएचपी के बारे में आपको और भी कुछ जानना है, जैसे कि ई बुक्स हुआ, इंटरव्यू क्वेश्चन हुआ, एमसीक्यूज हुआ, या फिर असाइनमेंट करना है पीएचपी का, तो आप हमारे साइट अपनी तो पाठशाला.com विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको ये सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।